औरतों के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है फंगल इन्फेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है ना, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द बोन अकर्स यूजुअली इन पेशेंट विद सप्रेस्ड इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस। मतलब ये कहना चाहता है कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो अपन को उन पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर उन पर्सन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है जिनका इम्यूनोलॉजिकल जो स्टेटस है वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, या मतलब वो उनका सप्रेस्ड इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस है। और ये अपन को देखने को मिलता है द इन्फेक्शन पर्टिकुलरली कॉमन इन द रूरल पॉपुलेशन। जो रूरल पॉपुलेशन होती है ना वहाँ पर अपन को जो जो फंगल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इस डेट ऑफ द फुट कोल्ड मडूरा फुट। तो अगर उनके फुट में कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसे अपन कहते हैं मडूरा फुट। एज द इन्फेक्शन रिजल्ट इन अ ट्यूमर लाइक मास इट इज़ आल्सो कोल्ड माइसेटोमा। तो जो ये मडूरा जो फुट होता है ना, ये जो इन्फेक्शन है वो अपन को देखने को मिलता है ट्यूमर लाइक मास की तरह होता है, तो इस कारण से इसको माइसेटोमा भी अपन कहते हैं। उसके बाद आता है मडूरा फुट। तो ये किस कारण से होता है, दिस इज कॉज्ड बाय मडूरो मायोसिस। तो इसके कारण अपन को ये मडूरा फुट होता है। इट स्टार्ट्स एज अ मेडुलर स्वेलिंग ओवर द डोर्सम और फुल सोल ऑफ द फुट। मतलब जो फुट होता है ना उसके डोर्सम पार्ट पर और जो उसका सोल जो पार्ट है वहाँ पर अपन को स्वेलिंग देखने को मिलती है, और वो स्वेलिंग होती है मेडुलर स्वेलिंग। तो आगे जाके क्या होता है ना, द मेडुलर बस्ट एंड डिस्चार्ज अ थिन स्पस। तो जो आगे जाके जो मेडुलर स्वेलिंग थी ये बस्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है और वहाँ से एक डिस्चार्ज निकलता है थिन पस का होता है, मतलब पस होता है जो कि थिन होता है। ग्रेजुअली मोर मॉड्यूलर्स फ्रॉम एंड रिजल्ट्स इन द स्वेलन फुट विद द मॉड्यूलर सरफेस एंड मल्टीपल डिस्चार्ज साइनस। तो वहाँ पे क्या होता है, जो मॉड्यूल्स होते हैं ना ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस कारण से अपन को वहाँ पे मॉड्यूलर सरफेस एंड मल्टीपल डिस्चार्ज साइनस देखने को मिलता है फुट पर। फुट इज नॉट प्रोमिनेंट फीचर्स अनलेस देयर इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन। जब तक कि यहाँ पर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो जाता, जब तक कि अपन को वहाँ पर कोई पेन देखने को नहीं मिलता है। अ पस कैरेक्टरिस्टिकली कंटेन स्मॉल ब्लैक गैन्यूल्स। जो कि जो पस होता है ना वो स्मॉल ब्लैक गैन्यूल्स का मिलकर बना हुआ होता है। जब अपन माइक्रोस्कोपिकली इसको एग्जामिन करते हैं तो अपन को बताते हैं फंगस। द एक्सरे सोज सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग अराउंड द फुट बोन। मतलब जब अपन एक्सरे करवाते हैं तो अपन को यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू से स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो कि जो बोन्स है फुट की जो बोन्स है उसके अराउंड में अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है देयर मे बी मल्टीपल स्मॉल सीव्स लाइक एग्रोसोम्स इन द बोन ऑफ द फुट। तो इस तरह से अपन को वहाँ पे स्मॉल स्वीट्स लाइक एरोसंस अपन को वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट अपन करा सकते हैं इन अर्ली स्टेज एंड लेट स्टेज। द लीजन रेस्पॉन्स टू मैसिव डोज ऑफ पेनिसिलिन एंड डोप्सोन। जो अपन जो इसको मेडिसिन देखते हैं तो इसके प्रति मतलब थोड़ा रेस्पॉन्स है वो अपन को बताता है इन लेट स्टेज। लेकिन जो लेट स्टेज होती है वंस द फूड हैज बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड एंड देयर आर मल्टीपल डिस्चार्ज साइनस। तो जो लेट स्टेज में क्या होता है ना, जो फूड है वो डिसऑर्गेनाइज्ड बन जाता है और वहाँ पर अपन को मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस देखने को मिलता है। तो आगे चल के अपन को वहाँ पर उसका एम्पुटेशन करवा के उसको पेड़ को निकलवाना भी पड़ सकता है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है फंगल इन्फेक्शन का, मतलब मडूरा फुट का।